हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता प्रसाद है। आज मैं आपको गाजर के अचार अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए क्या लगेंगे। सबसे पहले गाजर, नींबू, काला नमक, चाट मसाला, सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर और ये मिक्स वेजिटेबल अचार जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए मिलाते हैं इन सबको। सबसे पहले बोल में गाजर लेंगे। सबसे पहले बोल में लिया हमने गाजर को, उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर मैंने पूरा डाल दिया है, ज्यादा तीखी नहीं है। ये काला नमक है, इसको आधा चम्मच लेते हैं। चाट मसाला है, आधा चम्मच लिया मैंने। सॉल्ट है, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, मैंने 1/4 चम्मच डाला है। ये मसाला सॉरी अचार है, इसको मैंने 1 चम्मच पूरा 1 भर चम्मच मैंने लिया है। दो चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाले है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। और सबसे लास्ट में इसमें नींबू हम लोग निचोड़ देंगे। इसको 1 घंटा भी आप चाहे तो धूप में रख के खा सकती हैं, या 1 घंटे बाद आप ऐसे ही किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। इन सबको मिला लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से ये घर पर ही बन गया। इसे आप 1 घंटा बाद खा सकते हैं। मेरी बनाई ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू।